राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में 3 दिनों तक चले मंथन में विधायकों से रिपोर्ट कार्ड भी लिए गए, जिसमें सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल द्वारा कोरोना काल में किए कार्यों की सराहना की गई। इसके अलावा विधायक रविंद्र धीमान और मुल्क राज प्रेमी के कार्यों की सराहना भी हुई। भाजपा की 3 दिनों तक चली बैठक पर बोलते हुए प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि बैठक में 2017 के सभी प्रत्याशियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड मांगे गए और उनके द्वारा 3 साल में की गई उपलब्धियों और विकास कार्यों का वर्णन भी लिया गया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 3 दिन जो बैठकें हुई अलग अलग ग्रुप्स की, सभी बैठकों में उपस्थित रहे हैं और आगे भी संगठन की बैठकों में वो उपस्थित रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। विशेष रूप से 5 जुलाई को सभी मोर्चों के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठकें उनके साथ होने वाली हैं। बाकी और भी जो बैठकें संगठन की होती हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और उसके अलावा जो हमारा ये 3 दिन बैठकों का दौर था, इसमें अलग अलग ग्रुप्स के साथ बैठकें करके पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, आगामी योजना रणनीति बनाई गई, मोर्चों को आगे काम दिया गया, प्रकोष्ठों को आगे काम दिया गया, विधायकों को भी टिप्स दिए गए और कुल मिलाकर अब मिशन रिपीट इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। चुनावी मोड में सभी कार्यकर्ता आ जाएं, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इन बैठकों का बहुत ही योगदान रहेगा। इन बैठकों से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, जोश आया है और निश्चित रूप से आगे उसका फायदा रहेगा। जहां तक प्रभारियों की बात है, अभी तक सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिलों के मंत्री प्रभारी थे, वो 12 जिले, हमारे संगठन की दृष्टि से प्रदेश में 17 जिले हैं और संगठन की ओर से प्रदेश पदाधिकारी उन जिलों के प्रभारी, तो इसलिए संगठन और सरकार में और तालमेल बेहतर हो जाए इस दृष्टि से मंत्रियों को संगठनात्मक जिलों का भी प्रभारी लगाया है, जिसकी सूची मैंने यहाँ पर बताई है। और वो प्रभारी, मंत्री प्रभारी और संगठन के प्रभारी मिलकर उन संगठनात्मक जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हों, पार्टी के कार्यकर्ता और मन लगाकर काम करें, चुनावी मोड में आ जाएं और विधानसभा चुनाव और अभी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत मिले, इस उद्देश्य के साथ काम करेंगे। विधायकों और प्रत्याशियों ने विधानसभा क्षेत्रों में कमियों को भी सरकार के समक्ष रखा, जिनको सरकार द्वारा जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। ईटीवी भारत के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा।